फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला पुटिक चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमारी सिलाई मशीन होती है वो कपड़ा आगे नहीं खींचती है, या किसी कारणवश हमारे दांत भी सही हैं, सारा कुछ सब सिस्टम सही है, फिर भी हमारी सिलाई कपड़ा आगे नहीं खींचती है और बीच में मतलब इकट्ठा कर लेती है कपड़ा, लेकिन आगे नहीं खींचती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए, हम इसी पर आज आपको बताने वाले हैं कि हमारी अगर सिलाई मशीन की चाल अगर गड़बड़ हो जाए तो हम इसे कैसे ठीक करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि वीडियो को स्किप ना करें और काट काट के ना देखें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें। हमारी मशीन है, आपकी कोई भी मशीन हो, चाहे उषा हो, चाहे आशा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सीमा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, बजाज हो, लेकिन क्या होता है कि सब में एक ही तरीके से मशीन वर्क करती है, तो वैसे ही हमारी ये मशीन भी वैसे ही वर्क करेगी। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि आपकी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती है तो क्या कारण है और इसे कैसे ठीक करें, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो दिखाते हैं आपको हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मशीन कैसे वर्क करती है। तो देख सकते हैं, ये है हमारी मशीन के दांत, ध्यान से देखें। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, हम इसका बूट भी हटा लेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी मशीन की सुई जब नीचे जाती है तब दांत हमारे होने चाहिए पीछे साइड को, कपड़े को फेंकने चाहिए। अगर इस टाइम अगर हमारी जब सुई नीचे जाए तब हमारी अगर दांत हमारे इस साइड पीछे साइड बढ़ेंगे तो हमारी मशीन कपड़ा पीछे को फेंकेगी। तो ध्यान दें थोड़ा इस तरीके से, चलिए आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। तो ध्यान दें, जब हमारी मशीन सुई झेंक में जाती है तब हमारे दांत भी साथ में बैठने चाहिए, जैसे कि ये बैठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इस टाइम हमारी मशीन नीचे से धागा ऊपर को उठाएगी और फंदा लगाएगी। उसके बाद जैसे ही हमारी सुई ऊपर जाती है वैसे ही मतलब फंदा लग चुका होता है, उसके बाद हमारी मशीन कपड़े को आगे बढ़ा देती है। देख सकते हैं, जब हमारी सुई ऊपर हो जाती है तब हमारी मशीन कपड़े को आगे पीछे बढ़ा देती है, उसके बाद फिर फंदा लेती है इस तरीके से, फिर फंदा लेती है इस तरीके से, ऐसे करके जाती है। और जाने के बाद फिर जब ऊपर उठाते हैं तब हमारी मशीन क्या होता है, फंदा लेती है। फंदा लेने के बाद फंदा ऊपर हो जाता है, उसके बाद हमारी मशीन उस टाइम हमारी मशीन कपड़े को पीछे बढ़ा चुकी होती है, कपड़े को पीछे बढ़ा चुकी होती है। ऐसे ही हमारी कंडीशन मशीन की चलती रहती है कि फंदे लेने के बाद फंदा लेगी तो उस टाइम दांत हमारे नीचे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर दांत की सेटिंग गड़बड़ हो जाए तो इस टाइम चेंज सिस्टम हो जाता है। तो चलिए, हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन इस तरीके से काम कर रही है, ध्यान से देखें थोड़ा, जब सुई नीचे जाए तब दांत भी नीचे बैठें ताकि अच्छे से नीचे फंदा लग सके धागे का। उसके बाद जब ऊपर उठे तो इस तरीके से दांत भी ऊपर उठ जाएं। तो इस तरीके से हमारे कपड़े को पीछे फेंकती है। लेकिन अब क्या होता है, अगर गलत तरीका है तो फिर क्या होगा? तो ध्यान से देखें, एक सेटिंग हमारी होती है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखें, एक सेटिंग होती है हमारी इस साइड, इस ढक्कन के अंदर एक सेटिंग होती है, देख सकते हैं वो सेटिंग होती है ये वाली। ध्यान से देखें थोड़ा, जो पैंच है इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से ये जो पीछे वाली, जो पीछे वाला घोड़ा होता है बिल्कुल जस्ट सामने करो, उसके बाद ये वाला पैंच हमारा यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए, ये थोड़ा नीचे साइड को होना चाहिए, बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। जब हमारी और जब ये चीज़ आगे होगी तब पैंच हमारा पीछे हो जाना चाहिए, यानी बैक साइड में। तो इस हमारा पैंच थोड़ा टाइट है, इसलिए ये मतलब ये वाला सिस्टम, ये वाला पैंच तो ढीला है बट यहाँ पर थोड़ा जाम है, इसलिए हम इसे ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको दिखाएंगे, दूसरी मशीन में हमने करके दिखाया है। तो जब इसे पीछे कर देंगे तो हमारी चाल है वो बिल्कुल गड़ खराब हो जाती है और कपड़ा आगे को फेंकने लगती है। तो चलिए, अगर आपकी चाल, अगर कपड़ा आगे नहीं फेंक रही है मशीन, तो हम फिर कहाँ पर सेटिंग करनी है? अगर आपकी मशीन की चाल, ध्यान रखें, अगर चाल वाले दांत नीचे बैठ जाएँ तो किस तरीके से हमें सेट करने हैं। यहाँ पर एक पेंच दिया होता है, देख सकते हैं ये वाला पेंच। अगर आपकी मशीन के दांत हैं वो बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से इस पेंच को खोलेंगे और
थोड़ा हमें ऊपर नीचे करना, अप डाउन करना है, जैसे कि ये सिस्टम होता है ये वाला। इसे अगर इस तरीके से कर लेंगे तो अब हमारे दांत बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इस तरीके की कंडीशन कभी कभी आ जाती है। तो ध्यान रखें, प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती है, तो क्या कंडीशन है इस टाइम देख सकते हैं, बिल्कुल दांत बैठे हुए होते हैं तब हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती, देख सकते हैं इस तरीके से जब चलती है। उसके बाद जब कपड़े को आगे खींचने की बात आती है तो हमारे दांत ही इतने ऊपर नहीं हैं ताकि हमारी मशीन कपड़ा आगे को खींच सके। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए हमने अभी आपको जो बोल्ट दिखाया था उस बोल्ट को खोलकर और दांत को ऊपर उठाना है। तो अभी तो हमने ऐसे ही सेटिंग चेंज की है, तो अब हम आपको दिखाते हैं अगर आपकी मशीन की दांत अगर बैठे हुए हैं तो उसे भी इसी तरीके से ठीक करना है। तो चलिए, तो ध्यान से देखें, ये वाला बोल्ट है, ये वाला बोल्ट, तो हमें क्या करना है, इस बोल्ट को लूज कर लें इस तरीके से जैसे कि हमने किया था, इसमें इसे लूज करके इसे लूज कर लें, लूज करने के बाद और इस तरीके से दबा दें तो ये इस तरीके से इसे दबा दें। दबाने से क्या होगा कि हमारे दांत ऊपर उठ जाएंगे। थोड़ा दबाएं हल्के से, इस तरीके से हमारे दांत ऊपर उठ जाएंगे। चलिए देखते हैं चेक करके। देख सकते हैं दांत मेरे काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। थोड़ा पास से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हैं दांत काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। अब हमारी मशीन कपड़ा आगे एकदम अच्छे से आगे ये बढ़ाएंगे और हमारी मशीन सही चलेगी। तो चलिए पैंच को कस लेते हैं, जैसे हमने खोला था पैंच उसी पैंच को कस देते हैं। थोड़े दांत हमें नीचे करने हैं क्योंकि ज़्यादा ऊपर उठ गए तो फिर कपड़ा फाड़ने लगेगी मशीन। अगर आपकी मशीन कपड़ा फाड़ती है तो उसका यही कारण होता है, या तो दांत ऊपर ज़्यादा उठे हों या फिर चाल की सेटिंग गड़बड़ हो। तो थोड़ा हमें नीचे कर लेने हैं इस तरीके से, कहीं से भी इस तरीके से दबा के, और हमें थोड़ा हल्का सा दांत को नीचे कर लेना है बस। अब चलिए इस तरीके से बोल्ट को कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको सारा कुछ सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपकी दांत की सेटिंग अगर ख़राब है तो कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको, अब हमारी मशीन एकदम सही से वर्क कर रही है। अगर दांत कम ज़्यादा अगर उठे हुए हैं तो उन्हें भी इसी तरीके से उठाया जाएगा जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। और नीचे वाला बोल्ट ज़रूर टाइट करें, नहीं तो फिर सेटिंग फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको सही करने में टाइम लगेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग कहाँ से हैं कमेंट जरूर करें, हमें ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।